हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हरी मिर्ची का अचार। इसके लिए हमने 500 ग्राम हरी मिर्च ले ली है। देखिए, खूब अच्छी सी हरी हरी मिर्च ली है। इसके बाद इसको हमने एक दिन धूप में सुखा दिया है। सुखाने के बाद इनको हम अच्छे से कपड़े से ऐसे पोंछ लेंगे। देखिए, सारी मिर्च को ऐसे पोंछ कर साफ कर लेंगे, जिससे सुखाते समय अगर डस्ट डस्ट हो गई हो तो एकदम साफ हो जाए। इसी तरीके से सबको हम पोंछ लेंगे। अब इन मिर्चों में हम इस तरह से चीरा लगा लेंगे। इस तरह से चीरा लगा लेंगे। आप अगर चाहें तो इस डंठल को तोड़ के पीछे से भी भर सकते हैं, लेकिन हम आज मिर्च को इस तरह से भरेंगे। देखिए, ऐसे हर मिर्च में चीरा लगा लेंगे। ऐसे भरने से मसाला अच्छी तरीके से भर जाता है। हर मिर्च को हम ऐसे ही काट लेंगे। अभी तक आपने मिर्च के अचार को हमेशा तेल में खाया होगा। आज हम ये अचार आपको विनेगर में बनाना सिखाएंगे। अचार बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो ये है: 1 चम्मच जीरा, 3 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, 3 चम्मच सरसों पीली और आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच अजवाइन, नमक 1.5 चम्मच, हींग और विनेगर। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में ये मसाले रोस्ट कर लेंगे। जीरा डालेंगे, सौंफ डालेंगे, अजवाइन, मेथी, सरसों, इन मसालों को हम भून लेंगे जिससे इनकी नमी खत्म हो जाए और थोड़ा सा ये रोस्ट भी हो जाए। देखिए, सरसों चटकने लगी है, ये हमारे मसाले भून गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब ये धनिया पाउडर हमारा पिसा हुआ था, अब इसको हम भून लेते हैं हल्का सा। ये भून गया है, अब इसको भी उन्हीं मसालों में मिला देंगे। मसाले भून गए हैं, इन मसालों को थोड़ा ठंडा करके हम पीस लेंगे। अब हम पैन लेंगे, पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे, ऑयल को गरम करेंगे। ये हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब इन मिर्चों को हम थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे। ये ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर करके हम निकाल लेंगे। ऐसे फ्राई करने से ये अचार जल्दी से तैयार हो जाता है और ये लंबे समय तक चलता भी है। देखिए, हल्के से ये हो गए हैं। इनको हल्का हल्का सा ही ऐसे भूनना है। अब इसको हम निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम सारी मिर्चों को हल्का हल्का सा भून लेंगे। अब देखिए, सारी मिर्चों को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है। अब ये मेरे मसाले ठंडे हो गए हैं, अब इनको हम पीस लेंगे। ये हमने मसाले पीस लिए। इसमें हल्दी, गरम मसाला मिला लेंगे, साथ ही हम नमक मिला लेंगे और इसमें हम हींग डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब ये मेरा मसाला तैयार हो गया है। अब मिर्च में हम इनको ऐसे भरेंगे। देखिए, ये ऐसे मिर्च है, इनमें हम इनको ऐसे मसाले को ऐसे भर देंगे। थोड़ा थोड़ा भरेंगे, बाद में ये मसाला फूल जाता है। ये हमारे सारे मिर्च भर गए हैं। अब इनको हम एक कंटेनर में रख लेंगे। ये कंटेनर हमने धुल के साफ करके सुखा के रखा है। अब इसी में हम सारे मिर्च अपने ऐसे लगा लेंगे। अच्छे से अरेंज कर लेंगे।
देखिए ये हमने कंटेनर में सारे मिर्च भर लिए हैं, अब इसमें हम विनेगर भर देंगे। ये विनेगर इतना डाल देंगे कि ये मिर्च अच्छे से इसमें डूब जाए। देखिए मैंने विनेगर को ऊपर तक भर दिया है। अब इसको हम धूप में रख देंगे और 2-1 दिन में ये अचार तैयार हो जाएगा। अगर आपको साल भर रखना है तो आप इसको 7 दिन तक धूप में दिखा दीजिए, ये अचार आपका खराब नहीं होगा और पूरे साल तक इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही प्लीज बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा जिससे कोई भी रेसिपी हमारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।